पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि देश को विश्व की शक्ति बनाने के लिए नरेंद्र मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना बेहद जरूरी है। उन्होंने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में इस बार भाजपा 400 से अधिक सीट हासिल करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल गगरेट में आयोजित वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करते हुए बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेता बन सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, लेकिन कार्यकर्ता बनना आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का सम्मान हर हाल में होना चाहिए। सम्मेलन में प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना, जिला भाजपा अध्यक्ष बलवीर चौधरी व पूर्व विधायक राजेश ठाकुर ने भी संबोधित किया। 1984 से जुड़ा पहला चुनाव लड़ा था, तब भी आप साथ थे। बहुत सारे चेहरे में देख रहा हूँ मेरे सामने जो 84 से साथ चले थे। बहुत सारे लोग आज भी यहाँ उपस्थित हैं, आपको विशेष धन्यवाद। मैं ग्रेड मंडल को और राजेश जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देना हमारी सांस्कृतिक परंपरा है। जो कौम अपने इतिहास को, अपने बुजुर्गों को भूल जाती है वो स्वयं नष्ट हो जाती है। अगर इतिहास पर गर्व नहीं करोगे तो नव निर्माण कैसे करोगे? हमारा इतिहास कहाँ से शुरू हुआ? 1951 में जिसका जिक्र राजेश जी कर रहे थे, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। 70 में एमरजेंसी के बाद जनसंघ जनता पार्टी में शामिल हो गया। 80 में फिर हम अलग हुए और भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। 84 में हमने पहला चुनाव लड़ा। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे थे। मुझे कहा गया तुम हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ो। मैं आपके पास आया, आपने स्वीकार किया, रात दिन साथ दिया और 84 से चलाए सफर आज तक जारी है। आपका प्यार, स्नेह, आशीर्वाद आज तक मिल रहा है।